वालेकुम, नमस्ते। निशा बेगम का लजीज किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है व्यूवर्स। चलिए निशा बेगम का लजीज किचन से आज को जबरदस्त डिश बनने वाला ताज़ा, जो नहीं बना पाते हैं वो लोग के लिए एकदम खास करके है। और बहुत कोई बोले हैं जो ऐसा डिश नहीं बनता है, पर हम नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाएंगे और इतना अच्छा बनेगा कोई भी आपको कहीं तरीका से पता ही नहीं चलेगा जो हाँ इसमें क्या बना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कलेजी और मटन का कलेजी और मटन दे के नहीं बनाते हैं, बहुत कोई बोलते हैं जो गैस आता है। क्यों गैस आता है? आप ऐसा करते नहीं है ना, इसीलिए गैस आता है। अब मेरा स्टाइल में करके देखिए, कोई गैस नहीं आएगा और इतना टेस्टी लगेगा। दोनों चीज़ जब मुंह में रखिएगा, मुंह में जाते ही ऐसा फीलिंग आएगा आपको, क्या बताएं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपको हम झटपट दिखा दें। तो जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक खसी का पूरा कलेजी लिया हुआ, तकरीबन 800 ग्राम कलेजी है। इसको हमने बढ़िया से वॉश कर लिया है पहले। उसका बाद इसको विनेगर दे के तकरीबन 10 मिनट फुला के रखे थे। विनेगर हम 3 चम्मच इसमें ऐड किए था। इसको बढ़िया से हाथ में मिक्स कर करके, इस टाइप का कर करके हम इसको धो लिए हैं। अब देखिए मटन हमने तकरीबन यहाँ पे 1.25 किलो का लगभग मटन लिए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है इसमें हम तेल लिए हैं, जैसे चर्बी होता है ना मटन का, वो हम ज़्यादा लिए हैं। और देखिए मटन हम जो लिए हैं इस टाइप का छोटा छोटा हम पीस कर लिए हैं, कहें कि जब कलेजी में आप बनाइएगा मटन तो ऐसे ही पीस दीजिएगा, तभी अच्छा बनेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा और देखने में भी तो उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए इसको भी हमने बढ़िया से धो लिया है। अब प्याज देखिए, यहाँ पे हमने 5 पीस मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट लिए हैं। टमाटर हमने 5 पीस हमने लिए हैं, ये भी हमने इस टाइप का बारीक काट लिए हैं। धनिया पत्ता हमने तकरीबन 50 ग्राम लिए हैं, उसको भी बारीक काट लिए हैं। हरा मिर्चा हमने लिया हुआ 10 से 12 पीस, उसको भी हमने सिर्फ डंडी तोड़ लिए हैं। लहसुन का पेस्ट हमने 2 चम्मच भर के लिए हुए हैं। अदरक का पेस्ट हमने 1.5 चम्मच लिए हैं। नमक यहाँ पे 2 चम्मच लिए हैं। अब देखिए सबसे पहले मटन में क्या करेंगे, हम 1-1 टीस्पून करके नमक दे देंगे मटन में और कलेजी में। अब जो आप सोचते होंगे जो और तो बाकी मसाला है नहीं कोई पाउडर में, ज़रूर पाउडर वाला में भी हम ऐड करेंगे मटन में और कलेजी में। जो पाउडर वाला मसाला होता है वो भी हम ऐड करेंगे, लेकिन वो हम आपको चूल्हा पे दिखाएंगे। अब चलिए चूल्हा का तरफ। तो ये देखिए चूल्हा में हमने पहले से कढ़ाई बैठा दिया, इसमें तकरीबन 200 ग्राम हमने सरसों ऑयल ले लिया है। अब देखिए यहाँ पे तीनों चूल्हा हम एक बार ऑन करेंगे। तीनों चूल्हा में देखिए हम मटन बैठा दिए हैं, कलेजी, जैसे कि यहाँ पे देखिए कलेजी बैठा दिए, ये साइड में हम मटन बैठा दिए। आइए ये तीनों चीज़ हम ऑन कर लेंगे। आइए जो कलेजी है इसमें तकरीबन हम 200 ग्राम करके पानी ऐड करेंगे। कलेजी में हम 250 ग्राम पानी ऐड करेंगे और मटन में हम तकरीबन 200 ग्राम पानी ऐड करेंगे। और इसको बढ़िया से हम बॉईल कर लेंगे जब तक हमारा प्याज हम गोल्डन ब्राउन फ्राई नहीं कर ले। तो देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 पीस तेज पत्ता ऐड कर देंगे और खड़ा मसाला हम जैसे कि सादा गोलकी, काला गोलकी, गर्म मसाला का स्टार इलायची, जावित्री, आपका जावित्री, दालचीनी, लौंग, इलायची, काला इलायची, सारा चीज़ हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। आप प्याज ऐड करके भी ये सब डाल सकते हैं, क्योंकि ये तेल जब गर्म हो जाता है, डाला जाता है गर्म मसाला, तब ये फटता है तो छीटा पड़ सकता है। इसीलिए प्याज आप जब डालिएगा उसका बाद इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन तेज पत्ता पहले ही ऐड कर दीजिएगा। अब देखिए तेल हमारा गर्म हो के आया है, जैसे ही वैसे ही देखिए यहाँ पे जो कलेजी हमने बैठाया था उसमें भी उबाल आ गया है। ये देखिए, अब देखिए इसका जो गंदगी है सारा निकल आया है। ये देखिए इसको हम और थोड़ा सा रखेंगे 1 मिनट का लगभग, उसके बाद इसको हम उतार लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 मिनट हो गया, तकरीबन हम इसको 2 मिनट बॉईल किए हैं, देख रही हैं आप कितना गंदगी पानी है। अब इसको हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको बढ़िया से हम छान के रख लेंगे। एक जाली वाला में हम छान लेंगे, कोई कच्चा पानी दे के हम इसको
वॉश नहीं करेंगे, गर्म पानी दे के ही वॉश करेंगे। तो ये देखिए इसको भी हम बंद कर देंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया। इधर देखिए मटन जो हमने छान के रखा था कलेजी, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें हम एक टी स्पून नमक ऐड करेंगे और इसको तकरीबन हम 2 मिनट के लिए हल्का फ्राई करेंगे। 2 मिनट हो गया फ्राई करते हुए, देख सकते हैं अब इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे सारा, और इसको हम बढ़िया से इसमें मिक्स करेंगे और मिक्स करते करते फ्राई भी ये हो जाएगा। तो ये देखिए इसको भी हमने लहसुन का पेस्ट दे के 1.25 मिनट का लगभग इसको फ्राई किया है। अब इसमें हम अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे सारा। अब इसको हम बढ़िया से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर, जितना टमाटर हमने काट के रखा था तो सारा टमाटर हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम धनिया पत्ता ऐड करेंगे और उतारते वक्त हम देंगे 4 पीस हमने कच्चा मिर्चा इसमें ऐड करेंगे। और ये सारा चीज़ देखिए बढ़िया से हम फिर से इसको मिक्स करेंगे। तो देखिए सारा चीज़ हम बढ़िया से इसमें मिक्स कर लिए हैं। आप क्या करेंगे इसमें आप मसाला हम ऐड करेंगे। 2 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। जीरा पाउडर 1/2 चम्मच ऐड करेंगे। गोलमरीच पाउडर 1/2 चम्मच ऐड करेंगे। धनिया पाउडर 1 चम्मच हम ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर हम इसमें 1.5 चम्मच ऐड करेंगे। आप अपना स्वाद अनुसार कम बेसी कर सकते हैं। अगर आप झाल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1.5 चम्मच दीजिएगा, अगर कम खाना पसंद करते हैं एकदम तो 1/2 चम्मच दीजिएगा। हमें झाल झाल बहुत पसंद है इसीलिए हम 1.5 चम्मच इसमें ऐड किए हैं। और ये सारा मसाला हम इसमें मिक्स करते जाएंगे और टमाटर भी हमारा फ्राई होते रहेगा और पानी छोड़ते रहेगा। ये सारा गुना मसाला हल्दी छोड़ के बाकी धनिया जीरा गोलकी मिर्चा ये सब हमारा फ्राई किया हुआ है। ये घर का मसाला है, कोई बाहर का नहीं है। इसका भी वीडियो हम दे देंगे आपको, कभी बनाएंगे टाइम नहीं मिलता है क्या करें, फिर भी आप लोग का सामने में हम इतना मेहनत करके इतना वीडियो लाते हैं। लेकिन आप लोग नहीं सोचते, हमारा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। आप ही लोग का माध्यम से हमारा वीडियो आगे बढ़ेगा। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा ज़रूर हमें कमेंट करके बोलिएगा जो हाँ आपका वीडियो हमें अच्छा लग रहा और बनाइए। ये चीज़ नहीं भूलिएगा, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी जल्दी कर लीजिए, फिर से हमारा नया डिश का संग में हम आ रहे हैं बहुत जल्दी। अब इसमें देखिए 1 टीस्पून नमक हम दे दिए हैं, अभी और 1 टीस्पून देंगे। 2 टीस्पून नमक दे दिए हम। देखिए मटन जब बॉयल किए थे 1-1 टीस्पून करके 2 टीस्पून दिए थे, फिर जब मटन हम फ्राई कर रहे थे उसमें भी हम 1 टीस्पून दिए थे, अभी हम दिए हैं 2 टीस्पून, तो हमारा सारा नमक मिला के हुआ 5 टीस्पून। तो देखिए मसाला
हमारा पूरा फ्राई हो गया है, हमको कोई ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी हम तकरीबन इसमें 1.5 लीटर पानी हम इसमें ऐड करेंगे। 1 लीटर हम ऐड कर दिए हैं, अभी 1/2 लीटर हमें और ऐड करना है। हम कढ़ाई में ही बनाएंगे, ऐसे ही कढ़ाई में बनाइएगा तो देखिएगा बहुत ही टेस्टी बन के आता है। तो देखिए हम और 1/2 लीटर पानी ऐड कर दिए हैं, अब इसको बढ़िया से हम चला लेंगे। पूरा इस टाइप का थोड़ा सा हम घुला देंगे, घुमा लेंगे कड़छुल मटन में हमारा कलेजी में, ताकि पूरा मसाला जो है वो छोड़ दे। और नीचे का तरफ थोड़ा देख लीजिएगा जो मसाला पकड़ के नहीं रहे। अब इसी टाइप का हम इसको हाई फ्लेम में ढक के पकाएंगे। पहले उबाल आने तक हम इसको 2 मिनट इसी टाइप का छोड़ देंगे, और जब उबाल आ जाएगा तो हम इसको 15 से 20 मिनट पकाएंगे। अभी मान लीजिए जो हम 20 मिनट इसको पकाएंगे, और बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। 20 मिनट हो गया है, हम बीच में 2 बार इसको चला लिए थे, ये आप देख सकते हैं। अब हम फ्लेम लो कर देंगे, लो फ्लेम में इसको हम और 5 मिनट पकाएंगे। फिर ढक्कन लगा के हम इसको 5 मिनट और पकाएंगे। तो देखिए 5 मिनट हो गया है, अब हम ढक्कन खोल लेंगे। बीच में हम इसको एक बार फिर से चला लिए थे, फिर एक बार चला लेंगे। लो फ्लेम में ही हम 5 मिनट रख दिए हैं। तो ये देखिए अब फ्लेम हम हाई कर देंगे। ये जो धनिया पत्ता बचा हुआ, कच्चा मिर्चा बचा हुआ, ये सारा चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे। और इसका पहले हम क्या ऐड करेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और इसको हम बढ़िया से चला लेंगे। फिर से थोड़ा हम धनिया पत्ता इसमें ऐड कर देंगे, हरा मिर्चा हम इसमें ऐड कर देंगे सारा का सारा, और बढ़िया से इसको हम चला लेंगे। तो ये देखिए मटन कलेजी और मटन देके पीस देके हमारा ग्रेवी बनके रेडी हो गया है। देख रही हैं, देखने में जितना सुंदर लग रहा, खाने में इससे कहीं ज़्यादा टेस्टी। इस टाइप का बना के खा के एक बार देखिए, देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। और किसी का भी संग खा सकते हैं, चपाती हो, तंदूर रोटी हो, चावल हो, किसी का भी साथ देके खा सकते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।